रक्षाबंधन बच्चों, आज हम आपको कक्षा नौवीं शेमुषी नवम कक्षा प्रथमो भाग के अंतर्गत जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था पद्य खंड, है ना, जिसमें क्या पढ़ा था हमने, पद्य खंड के अंतर्गत जो भी हमने उसका गीत पढ़ा, तो आज उसी को हम और आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज हम उस पार्ट का क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पढ़ा भारती बसंत गीतम सरस्वती का बसंत गीत। इसके बारे में हमने आपको जो पहली क्लास में आपको पढ़ाया, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो कवि हैं वो माँ सरस्वती से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ऐसी वीणा को बजाएं कि सब कुछ क्या हो जाए, बहुत अच्छा हो। कैसे अच्छा हो, किस प्रकार से अच्छा हो, कि जब माँ सरस्वती ही की वीणा ही सब प्रकार से सब चीजों को उत्पन्न कर सकती है। तो क्या उत्पन्न कर सकती है, जो कि हमने आपको पढ़ाया समझाया था, आज इसी पाठ के प्रश्न उत्तरों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत कवि काम संबोधयति। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कवि किसको संबोधित कर रहा है, तो कवि किसको संबोधित कर रहा है, वाणी, और वाणी में किसको कहते हैं, माँ सरस्वती को। फिर है, कवि वाणी काम वादितुम प्रार्थयति। कवि वाणी से किसको बजाने की प्रार्थना कर रहा है, कवि वाणी से, वाणी का मैंने आपको बताया सरस्वती, है ना, से किसको बजाने की प्रार्थना कर रहा है। उत्तर क्या आएगा, वीणा, यानी वीणा को। एक बात और यहाँ आपको मैं बताना चाहती हूँ बच्चों, कि जो संस्कृत भाषा है वह भाषा कैसी भाषा है, अति प्राचीन भाषा है, चूंकि ये देवताओं के मुख से निकली इसको देववाणी भी कहते हैं। और संस्कृत भाषा जो है वह अन्य भाषाओं की क्या है, जननी भी है। अन्य भाषाओं की क्या है, जननी है। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। चलिए, कीदृशीं वीणां निनादयितुं प्रार्थयति। कीदृशीं वीणां निनादयितुं प्रार्थयति, कैसी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है जो कवि है, वो माँ सरस्वती से कैसी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो कैसी, नवीना, नई वीणा को। कैसी वीणा को, नवीना, यानी नई वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा। कौन प्रार्थना कर रहा, कवि प्रार्थना कर रहा है, किससे प्रार्थना कर रहा, वाणी यानी माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है। गीतिम कथम गातुम कथयति, गीत कैसा गाने के लिए कह रहा है, तो क्या उत्तर आएगा, मृदुम। मृदुम मतलब होता है मीठा, मृदुम माने मीठा, मधुर। तो मधुर गीत मतलब गाने के लिए कह रहा है। कौन कह रहा है, कवि। सरसा रसाला कदा न संती, रसीले आम कब सुशोभित होते। सरसा यानी सरस, रसीले रसाला, रसों से भरे हुए, कदा कब लसंती सुशोभित होते हैं। उत्तर क्या आएगा, बसंते। कौन से उस मौसम में, बसंत ऋतु में, बसंत में, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर आपके एक पदे उत्तर हुए। अब आता है प्रश्न दूसरा, पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखा। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, तो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा, कवि वाणी किम कथयति, कवि सरस्वती से क्या कह रहा है। कवि वाणी यानी सरस्वती से किम यानी क्या, कथयति कह रहा है। उत्तर क्या आएगा, कवि वाणी नवी नाम वीणा, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, नवी नाम वीणा वादितुम ललित नीति लीला चम मधुर गीतुम गातुम कथयति। जो कवि है माँ सरस्वती से नवीना में नई वीणा को बजाने के लिए कह रहा है, और मृदु, अभी मैंने आपको बताया मृदु माने मधुर, और सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत गाने के लिए
जो कवि है वह नई वीणा के साथ सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत गाने के लिए माँ सरस्वती से कह रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया है बसंते किम भवती, किम माने क्या, बसंत में क्या होता है ना, तो क्या आएगा उत्तर देखिए, बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती, सरसा रसाला लसंती मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला ललित कोकिला काकलीनाम च कलापा विलसंती, बसंत में मधुर मंजरियों से पीले हुए रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं और सुंदर कोयलों के समूह का पूजन अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि जब आम के वृक्ष पर अपन उसको क्या बोलते हैं, आम के फूल है ना, आम के जो बौर होती जो बहुत सुंदर दिखाई देती है और जब उसमें आम लगते हैं और जब वो पक जाते हैं तो वो जो पके हुए आम झाड़ पे जो उस पर वृक्ष पर लगे हुए होते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर। और आम जब पकता है तो वो कैसा हो जाता है, रसीला हो जाता है ना। तो बसंत में मधुर मंजरियों से पीले हुए रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं और सुंदर कोयलों के समूह का पूजन। और आपने बच्चों देखा होगा कि जब जो आम के वृक्ष पे ही क्या होती है ना, कोयल जो है कूदती है ना, तो क्या लगता है मन को और हमारे कानों को क्या देती है, बहुत आकर्षक लगती है उसकी जो वाणी जब वो कूदती। तो इस प्रकार जब आम, अभी आम का मौसम है और आपने देखा होगा कि जब वो जो वृक्ष पर आम लगे होते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। एक बार पुनः, बसंत में मधुर मंजरियों से पीले हुए मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला यानी रसीले सरस मीठे लसंती ललित कोकिला काकिला, तो जब पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं और कोयलों के सुंदर है ना, और जो कोयल बोलती है उनका पूजन क्या है, वो समूह अच्छा लग रहा है। फिर है ससिलम तब वीणा माकर्ण कथम उच्छले, ससिलम ससिलम माने तो जल, वीणा माकर्ण माने वीणा को कथम माने कैसे उछलने लगी, जल तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछलने लगे, क्या आएगा ससिलम तब वीणा माकर्ण ससिलम उच्छे, ससिलम तब वीणा माकर्ण ससिलम उच्छे, जल तुम्हारी वीणा को सुनकर हिलोरे लेता हुआ उछलने लगे, हे माँ हे वीणा पाणी माँ आप ऐसी वीणा को बजाइए कि जल सुनकर क्या उछल क्या होने लगे, हिलोरे लेने लगे और उछलने लगे, ऐसी आपने वीणा को बजाइए। इस प्रकार कवि माँ सरस्वती से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कवि भगवती भारती कस्या तीरे मधु माधवीना नता नाम पंक्ति अवलोक्य वीणा वाद्यतुं कथयति, जो कवि है माँ भगवती माँ वीणा पाणी, वीणा भी बोला जाता है उनको, भारती भी बोला जाता है, भारती माने भी सरस्वती माँ के संबोधन है यहाँ पे। तो सरस्वती से तीरे मधु माधवीना किसके तट पर नताम पंक्ति अवलोक वीणा वाद्यतुं कथयति, वीणा बजाने की मालती नामक लताओं की किस प्रकार की वीणा बजाने के लिए कह रहे हैं, लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहते हैं कवि, किसके तट पर है ना, तो उत्तर देखिए क्या आएगा, कवि भगवती भारती यमुना नद्या, यमुना नद्या तीरे मधु माधवी नाम नता नाम पंक्तिम अवलोक्य, देखकर अवलोक्य देखकर वीणा वाद्यतु कथयति, यानी जो कवि है वो माँ भगवती यानी माँ सरस्वती से यमुना नदी के किनारे, किसके किनारे, यमुना नदी के किनारे और क्या कह रहे तट के पर सुंदर मालती नामक लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कह रहे हैं। जो कवि हैं वो कहाँ पर, किस नदी के किनारे बताया मैंने, यमुना नदी के तट पर है ना, यमुना नदी के तट पर।
यमुना नदी के तट पर सुंदर मालती नामक लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को अवलोक माने देखकर वीणा बजाने के लिए कहते हैं। चलिए आगे आप देखिए प्रश्न दिया है कि का स्तंभे पदानी खा स्तंभे तेषां पर्याय पदानी दत्तानी चानी चित्ता पदान हम समक्ष लिखा कह रहे जो का और खा स्तंभ दिया है इनके जो पर्यायवाची शब्द है उसको आपको देख करके लिखना है। ये जो का और खा है उनके पर्याय शब्द है उनको चुनकर शब्दों के सामने क्या करना है लिखना है। तो ये का है और ये खा है ठीक है ना। तो ये जो दिए है आप जैसे दिया है इसमें स्तंभ है ना स्तंभ का जो आएगा वो क्या आएगा स्तंभ यानी वाणी है ना इसमें आएगा वाणी। फिर है दूसरा ये का स्तंभ है ये खा स्तंभ ये इसको कुछ नहीं करना ध्यान रखना। तो का स्तंभ में पहला कह दिया सरस्वती सरस्वती को क्या बोलते हैं वाणी। तो यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बेटा देखना है यहाँ पर और इसमें लिखते जाना सरस्वती अभी क्या वाणी को क्या कहते हैं सरस्वती सरस्वती वाणी। फिर है दूसरा खा आम्रम आम कैसे होते हैं अभी मैंने आपको समझाया है आम कैसे होते हैं रसाला यानी रसों से भरे हुए। फिर है पवनम ठीक है ना पवन को क्या बोलते हैं पवन माने क्या होता है समीरा है ना पवन का क्या आएगा समीरा। फिर है तटे तट माने तीर। फिर है भ्रमराणा जो भौरे जिसको हम बोलते हैं ना तो उनको क्या बोलते हैं अलीना। इस प्रकार से उनके यहाँ पर क्या दिए हैं पर्यायवाची शब्द दिए हैं आपको इनको कॉपियों में बहुत अच्छे से बेटा लिखते जाना। इसके बाद है अधोलिखित पदानी प्रयुक्त संस्कृत भाषा वाक्य रचना करो नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्य रचना कीजिए। आपको देख यहाँ पर दिया है जैसे मान लीजिए ये दिया एक शब्द दिया है मृणाल तो अब इसका जो वाक्य बनेगा वो होगा अय वाणी नवीनाम विराम मृणाल ये शब्द आना चाहिए जो शब्द आपको दिया है शब्द इसमें आना चाहिए। दूसरा दिया मंद मंद मंदिर धीरे धीरे शन शन गजा मंदम मंद मंदम चलती तेरे मारुता यानी हवा के लिए अद्य मारुता तीव्र चलती प्रह चलती हवा कैसी चलती थी शशिला यानी ये जल गंगा या शशिला पवित्र मसी गंगा जी का जल है वो कैसा होता पवित्र होता है। सुमना पुष्प सुमना सुगंधिम विद्रति जो फूल होते हैं वो क्या फैलाते चारों तरफ सुगंध को फैलाते हैं ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये करना है पर्यायवाची। अब देखिए प्रथम श्लोक से आशायाम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वालिका आंग्ल भाषा है ना अंग्रेजी भाषा में प्रथम श्लोक का भाव हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखिए तो क्या आएगा देखेंगे इसे वहां पर हिंदी भाषा में लिया है तो हिंदी भाषा में क्या भाव आएगा कि हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ और सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ। कैसी वीणा को बजाओ नई वीणा को बजाओ और सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ। इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले हुए रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियां क्या हो रही है सुशोभित हो रही है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जब वृक्ष पे फल लगते हैं या फूल लगते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं सुंदर कोयलों के समूह का पूजन अच्छा लगता है। कोयल जब बोलती है तो कैसा लगता है बहुत मधुर ध्वनि लगती है इसलिए हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। माँ सरस्वती जो कवि है वो उनसे प्रार्थना बार बार कर रहा है यहाँ पर ये जो मैंने आपको समझाया वो है हिंदी भाषा में भावना कि सरस्वती हे माँ सरस्वती नई वीणा को आपको क्या करना है बजाना है और नए मतलब नीति से परिपूर्ण मधुर गीत को आप गाइए। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखा नीचे लिखे शब्दों में विलोम शब्द क्या करना है आपको लिखना है। तो विलोम शब्द जो दिए विलोम माने क्या होता है विपरीत शब्द है ना उसके जो विपरीत है जैसे मान लिया यहाँ पर दिया है कठोरम ठीक है तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए मृदुम यानी कोमल है ना कटु इस तरह
प्रकार बच्चों ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो है विलोम शब्द, है ना। शीघ्रम, शीघ्रम का क्या आएगा, मंदम, ठीक है, मंदम, पहले का मृदम, मधुरम, है ना। प्राचीनम, प्राचीन का आप लोग बताएं क्या आएगा, नवीनम, प्राचीन, इसका उल्टा भी प्राप्त क्या है, नीरसम, नीरसम यानी सरस, नीरस है जिसमें कोई रस ना हो, सरस यानी रसों से परिपूर्ण। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको यहाँ पर जो भारतीय वसंत गीता पाठ है कक्षा नौमी से मुशिका मैंने वो पढ़ाया और प्रश्नोत्तर उसके जो व्याकरण है वो भी आपको समझाई। और आप लोग बेटा कॉपी या रजिस्टर बना लें, जरूरी नहीं है, यदि जो बच्चे नई बुक जो नई रजिस्टर या नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो अभी जो पुराने रजिस्टर उनके जो पेज हैं आप उनको बना लीजिए। लेकिन बेटा आप इसको लिखते जाइए, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो आप याद नहीं कर पाएंगे, संस्कृत विषय में आपको लिख करके याद करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बेटा आप सारे बच्चे जो हैं अपने हिसाब से पाठों को लिखते जाएं और उनके प्रश्नोत्तरों को लिखते जाएं और आप उनको पढ़ें और अच्छे से पहले पाठ को पढ़ लें ताकि प्रश्नोत्तर भी आपको समझ में आए। तो बेटा आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।